एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आर वीडियो। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मास्क बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम के लिए, कोरोना काल के लिए। तो इसका मेजरमेंट देख लेंगे, हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। पहले ऊपर एक मतलब फुल एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद हम उसके अंदर मेजरमेंट लेंगे। हमने 5.5 इंचेस का पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद नीचे की साइड कर लिया 6 इंचेस का, इसके बाद 5.3 इंचेस का मार्क कर लेंगे, इसके बाद 6.1 इंचेस का, जिसके हमने निशान लगा ही रखा है। मेजरमेंट फुल बना हुआ ही है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम मास्क के लिए ड्रॉ करेंगे 1.99 इंचेस का ऊपर की साइड, 7 पॉइंट, सिर्फ 7 पॉइंट लेना है हमें नीचे के साइड पे, ठीक है। ऊपर 1.9 इंचेस का हमने लिया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इसके बाद ऊपर से हम 2.3 इंचेस का मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये हमने 2.3 इंचेस का मार्क लगाया है। इसके बाद 6 पॉइंट नीचे की साइड लेंगे, हल्का सा ऊपर लेंगे 6 पॉइंट तक। उसके बाद हम इसको बस शेप देंगे, इसको गोलाई देंगे। जितनी अच्छी हमारी गोलाई आएगी, उतना ही अच्छा हमारा मास्क दिखेगा, अच्छे से तैयार होगा, उसकी शेप अच्छी आएगी, देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए हम शेप का ध्यान रखते हुए हम गोलाई बहुत अच्छे से दें, ठीक है। फिर सब लाइनों को मिक्स कर लेना है, मैच कर लेना है बिल्कुल गोलाई के साथ ही। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको अंदर हल्का सा अंदर लेके इसको थोड़ा सा तिरछा करके इसको सीधा लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा मास्क बनके तैयार है। इसका मेजरमेंट हमने बिल्कुल ऐसे ही गत्ते के ऊपर रखना है, जिससे कि हमें अगर आगे अगर कोई मास्क बनाना है तो इसी मेजरमेंट को रख के हम आगे के साइड दूसरा मास्क भी तैयार कर सकें, ठीक है। तो ऐसे जैसा हमने ड्राइंग बुक में बनाया था, वैसे ही हम इस गत्ते पे बना लेंगे मेजरमेंट। पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर ही हम मास्क का मेजरमेंट लिखेंगे, बिल्कुल जैसा हमने वहां फाइल में बनाया है, बिल्कुल वैसा ही हमें उस गत्ते पे बनाना है। 6.1 इंचेस का, यहाँ से हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से हम 5.3 इंचेस लेंगे, तो ये हमारा जो था ये 5.5 इंच हो गया था, तो हम इसको 5.3 इंचेस करेंगे इस साइड पे, ठीक है। जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसा हमने मेजरमेंट फाइल बुक में लिखा है वैसे ही करेंगे। तो ये आगे वाली लाइन ड्रॉ जो हमने की थी उसको काट देंगे, मिटा देंगे, जो भी है। अंदर का हमने 5.3 इंचेस लिया है, उसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को भी बंद कर देंगे, बिल्कुल बॉक्स बना देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम मास्क का मेजरमेंट लेंगे, जो कि हमने लिया था 3.1 इंचेस, ओके। यहाँ से हमने लिया था 1.9 इंचेस, और इस साइड से हमने लिया था 2.3 इंचेस, ठीक है। 1.9, 2.3 एंड 7 पे हमने लिया था 7 पॉइंट, सिर्फ 7 पॉइंट लिया था हमने, हल्का सा अंदर की साइड करेंगे इसको, ज्यादा भी अंदर नहीं करना है। 7 पॉइंट पे हम इसको मार्क कर लेंगे, और यहाँ से हमने जितना लिया था 6 पॉइंट लिया था, यहाँ पे हमने 6 पॉइंट ले लेंगे। ये फुल मेजरमेंट हमने इंची टेप की मदद से किया है, तो आप भी इंची टेप से करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब इन सब लाइनों को मिक्स मैच कर लेंगे, यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हुए पॉइंट का पॉइंट से मिलाएंगे हम। हमें बस गोलाई पे ध्यान देना, अगर हमारा गोलाई जो है वो अच्छे से आएगी तो हमारा जो मास्क का लुक है वो भी बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो जो आप ड्रेस बना रहे हो उसके मैच का भी मास्क बना सकते हैं, दोनों मैच करके रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, अलग सी ही एक लुक आती है, मास्क और ड्रेस एक जैसी रहती है तो, ठीक है। तो ये हमारा मास्क बन के तैयार है।
मास्क का मेजरमेंट है, अभी तो मास्क बहुत दूर है बनाना, अभी तो मेजरमेंट बनाया हमने, ये हमारा मेजरमेंट तैयार है। अब इसको हम जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमारा मास्क का मेजरमेंट है जो हमने ड्रॉ किया है, सिर्फ उसको कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने आधा इंच, आधा या 2 या 3 पॉइंट जो भी लिया था हमने, उसके अंदर हम इसको हल्का सा दर्शा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा मास्क बन के हमारा तैयार है, तो इसको अब हम कट कर लेंगे। ये जो गत्ता है ना हमारा मास्क का जो मेजरमेंट है, इसको हम आगे जाके किसी भी कपड़े के साथ बना सकते हैं। इसके बस क्या करना है हमें, ये जो गत्ता है, जो मेजरमेंट है हमारा, इसको हम कपड़े पे रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको काट लेंगे बस। दोबारा दोबारा मेजरमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हम इसको अलग कर लेंगे, ये हमारा मास्क का जो मेजरमेंट है वो तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, हल्की से ऊपर नीचे हो गया है, वो गोलाई के चक्कर में हुआ है। अगर गोलाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी तो मास्क बहुत अच्छा बन के आएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट कोई नहीं, इतना तो होता रहता है। ठीक है, अब हम इसे कपड़े पे बिछाएंगे। पहले में हमने फर्स्ट फोल्ड किया, इसके बाद हम सेकंड फोल्ड करेंगे, और ये हमारा फोर फोल्ड हो गया, ठीक है। फोर फोल्ड करके हमने जो मेजरमेंट तैयार किया था ना गत्ते पे, उसको कपड़े के ऊपर रखेंगे। अब इससे चाहे हम, जब हमारे पास मास्क का मेजरमेंट तैयार है, तो हम इसको किसी भी कपड़े पर रख के बस इसको ड्रॉ करेंगे और उसको काट लेंगे। चाहे तो आप गत्ता इसके ऊपर रख के आप इसको कपड़े पर काट लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, दोबारा दोबारा मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे इसको, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। जो हमने गत्ते का नाप लिया है, बिल्कुल उसके बराबर बराबर हमें कपड़ा काटना है, ठीक है। ये और हमने ये कपड़ा काट लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल गत्ते के बराबर ही हमें कपड़ा काटना है, एक्स्ट्रा नहीं काटना है, ये तो हमारा जो मेजरमेंट है ऊपर खराब हो सकता है, मास्क बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अगर हम ऊपर नीचे हो गया हमारा कपड़ा तो, ठीक है। ये बिल्कुल हमने जो गत्ता रखा था, गत्ते के बिल्कुल बराबर बराबर हमने कपड़ा काटा है, बिल्कुल उसके बराबर का, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये हम जो चार कपड़े थे हमारे फोर फोल्ड के, चार कपड़े निकल के आए, तो दो दो कपड़े करके सिलेंगे, ठीक है। और सिलाई हम 3 पॉइंट्स पे लगाएंगे, आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं 3 पॉइंट करके, 3 पॉइंट किनारे किनारे से नाप के आप इस पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे सिलाई कर देंगे, जो हम फर्स्ट कपड़े पे सिलाई करेंगे वैसे हमें दूसरे पे करना है, दो दो कपड़े हमें जोड़ने हैं एक साथ, और इसको गोलाई, जैसे हमने गोलाई में शेप दे रखी है वैसे ही इसको सिलाई करनी है। ठीक है, ये हमने दोनों कपड़ों पे सिलाई लगा ली है, ठीक है। ये हमने 2 या 3 पॉइंट पे हमने इसको निशान लगाया है, 3 पॉइंट पे, आप 3 पॉइंट पे ही इसको सिलाई लगाएं, और इसके बाद हम इसको गोलाई में शेप देने के लिए इसको सिलाई के आगे कपड़ा काटेंगे, पीछे नहीं काटेंगे, काटेंगे तो हमारा जो मास्क का कपड़ा है वो बेकार हो जाएगा। हल्के हल्के इसमें कट्स लगाने हैं, ताकि इससे हमारी शेप जो है वो अच्छी आए, दोनों कपड़े पे ही लगा लेंगे ऐसे ही कट्स। और इसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हम दो कपड़ा जब हम जोड़ते हैं, तो एक कपड़ा हमारा सीधा रहता है और एक उल्टा, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको, एक मास्क को जो हमने ये कपड़ा है इसको सीधा रखेंगे, और ये जो है वो वाला कपड़ा वो उल्टा रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई से सिलाई मिला के, सिलाई से सिलाई पकड़ के ऊपर का जो निशान है, जो सिलाई लगानी है उसको लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा शेप है उसका ध्यान रखना है, ऊपर वाला शेप ऊपर रहेगा, नीचे का शेप नीचे रहेगा, जो नीचे वाली शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो ऊपर का शेप है वो थोड़ा सा हल्का, जैसे हमने कर्व में निशान लगाया था, जैसे काटा है हमने, वो होगा। तो ये जो सिलाई है हमारी ऊपर वाली सिलाई है, तो इसको सिलाई से सिलाई मिला के फिर हम इसको ऊपर से सिलेंगे, और ये भी जो हमारी सिलाई होगी वो भी 3 पॉइंट पे ही होगी, एक्स्ट्रा में नहीं होगा।
देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे गोलाई पे कट लगाया था, वैसे हम यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। देखिए ये हमने सिलाई सिलाई मिला के सिलाई की है, और इसको भी हम हल्का हल्का ही कट मारेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब उसी तरह हम नीचे का भी जो सिलाई है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नीचे भी सिलाई से सिलाई मिला के, ये जो हमारी सिलाई है सिलाई से हमने सिलाई मिलाई है, और इसको भी सिल लेंगे ऐसे। ये भी हमारी जो सिलाई है 3 पॉइंट पे ही जाएगी। इस पे भी हम हल्के हल्के कट्स मार लेंगे। अगर हम कट्स नहीं मारेंगे तो हमारी जो शेप है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए हम शेप, अगर हमें शेप अच्छी चाहिए तो हमें उसके लिए कट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको पलटेंगे, जैसे हम डोरी के लिए नहीं पलटते कपड़ा, वैसे ही हम इसको पलट लेंगे, अंदर के साइड से निकाल लेंगे कपड़ा सारा, और जितनी भी सिलाई है वो सारी की सारी अंदर चली जाएगी, और ऊपर की साइड हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस पे सिलाई लगानी होगी। और सिलाई लगाने के बाद ही हमारा मास्क बनके तैयार हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, सिलाई से सिलाई करके कपड़ा बिल्कुल बराबर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अगर आपका ये कपड़ा नहीं बैठ रहा तो आप इस पर प्रेस मार दीजिए, प्रेस कर देंगे तो कपड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल आराम से फिर सिलाई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मास्क हमारा ऐसे आएगा बनके। ठीक है, अब हम इसके अंदर रबड़ लगाएंगे। रबड़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपको चाहिए। वैसे मैंने इसमें 7 इंचेस का लगाया है, 8 आए तो 5.5 या 6 इंच का भी रबड़ लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा टाइट सा चाहिए या लूज चाहिए तो 7 पॉइंट बहुत ही सही है इस मास्क के लिए, क्योंकि ऐसे भी जेंट्स के लिए मास्क है तो उनके लिए, उनका फेस थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा बड़ा मास्क ही अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने रबड़ भी थोड़ी सी बड़ी ही लगाई है। अगर आपको थोड़ा सा लूज लगता है तो आप सिलाई खोलिए, और अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो कपड़ा, कपड़े के अंदर रबड़ डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तब हमने इस कपड़े को अंदर डाला, अंदर एक साइड फोल्ड किया है 1/2 इंच, उसके बाद हमने इसके अंदर रबड़ को डाला है, और जहाँ पे हम रबर लगा रहे हैं ना वहाँ पे हम डबल सिलाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है, इसमें भी डबल सिलाई कर देंगे ताकि ये मजबूत सा हो जाए, खुले ना जल्दी। ठीक है, अब ये देखिए ये बिल्कुल सफाई के साथ हम इसको किनारे की सिलाई लगाएंगे। कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर हो, ऊपर कपड़ा ऊपर हो, नीचे कपड़ा नीचे हो। जो सिलाई है वो सिलाई नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी, जो ऊपर की सिलाई है वो दिखे, बट वो जो नीचे जॉइंट वाली जो सिलाई है ना वो ना दिखे, ये तो सारी लुक ही बेकार हो जाएगी मास्क की। ऐसे ही हमने इस साइड भी कर दिया है, कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके उसके अंदर रबर डाल दिया है हमने। इसके बाद हम यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा देंगे। और ये नीचे की साइड पे हम सिलाई कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। सिलाई लगाने से क्या होता है ना कि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल बराबर रहता है, परफेक्ट दिखता है, देखने में भी अच्छा लगता है, एंड पहनने में भी सही रहता है। तो ये मास्क बनके हमारा तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।